प्रखंड मुख्यालय से 19 किलोमीटर दूर उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय सपहा प्रकृति की गोद में बसा चारों तरफ जंगल एवं नदी के किनारे अवस्थित है। इस विद्यालय में कुल नामांकन 43 है। इस गांव की कुल आबादी 300 के लगभग है। सामाजिक दृष्टि से यहां पर रहने वाले लोग आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत ही पिछड़े हैं। बरसात के दिनों में इस गांव का संपर्क शहर से टूट जाता है क्योंकि नदी में पानी भर जाता है जिससे आवागमन नहीं हो पाता है। मुश्किलों का सामना करते हुए मैं विद्यालय जाता हूं तथा अध्यापन कार्य नियमित रूप से करता हूं। मैं ब्रह्मदेव कुमार शर्मा सहायक अध्यापक उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय सपहा प्रखंड कोडरमा जिला कोडरमा में कार्यरत हूँ। मैं विगत 16 वर्षों से इस विद्यालय में सेवा दे रहा हूँ। प्रोजेक्ट इम्पैक्ट के तहत सबसे पहले विद्यालय पहुंचने वाले 10 बच्चों का प्रतिदिन अलग अलग तरीके से स्वागत किया जाता है। विद्यालय प्रबंधन समिति एवं बाल संसद के द्वारा मेरे निर्देश में विद्यालय का संचालन किया जाता है। एक शिक्षकीय विद्यालय होने के बावजूद भी बेहतर ढंग से चलाया जा रहा है। शिक्षा विभाग के द्वारा तथा स्वयं के द्वारा उपलब्ध कराए गए सभी TLM का उपयोग विधिवत किया जाता है। विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों का हर क्षेत्र में विकास करने हेतु विद्यालय प्रबंधन समिति माता समिति अभिभावक तथा मैं स्वयं तत्पर रह करके हमेशा तैयार रहता हूँ। नए नए तकनीक का उपयोग कर बच्चों में सीखने की क्षमता का विकास करता रहता हूँ। प्रत्येक शनिवार को प्रोजेक्ट रेल के द्वारा बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है। प्रोजेक्ट रेल बच्चों के अधिगम स्तर बढ़ाने में काफी कारगर साबित हो रहा है। शिक्षक बच्चे रसोईया एवं समिति के द्वारा विद्यालय में किचन गार्डन बनाया गया तथा किचन गार्डन में उगाए जा रहे सब्जियों का मध्याह्न भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ तरह तरह की सुसज्जित ढंग से ज्ञानवर्धक किताबें रखी हुई है। बच्चे जिज्ञासा के अनुसार यहाँ से किताब लेकर अब पढ़ते हैं और वे जिज्ञासा को प्रेरित करते हैं, अन्वेषण को प्रोत्साहित करते हैं और जीवन भर पढ़ने की आदत डालते हैं। हमारा उद्देश्य बच्चों में सीखने की क्षमता का अधिक से अधिक विकास करना है। बच्चे अपने उम्र एवं कक्षा के अनुरूप सीखते हैं। बच्चों की क्षमता अधिक से अधिक हो इस हेतु बच्चे स्वयं भी TLM का उपयोग करते हैं। विद्यालय एकल शिक्षकीय होने के कारण कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों का सर्वांगीण विकास के साथ साथ विद्यालय का सही तरीके से संचालन करना हमारे लिए चुनौतीपूर्ण था। दूसरा चुनौती मेरे लिए था क्योंकि विद्यालय जंगलों एवं नदियों से घिरा होने के कारण बरसात के दिनों में आवागमन में काफ़ी परेशानियाँ होती थी। उसका सामना करते हुए विद्यालय का संचालन नियमित करना होता था। विशेष परिस्थिति में विद्यालय प्रबंधन समिति का सहयोग से शिक्षण कार्य करना होता है। विद्यालय को विकसित करने हेतु SMC एवं बाल संसद के साथ बैठक कर रणनीति तैयार किया गया। पहला रणनीति था बच्चों के शैक्षणिक स्तर में सुधार हेतु विद्यालय अवधि के बाद टोला क्लास का आयोजन बाल संसद के मदद से किया जाना, जिसमें बच्चों की नियमित उपस्थिति भी बाल संसद के द्वारा बनाया जाना था। टोला क्लास में अनुपस्थित रहने वाले बच्चों की सूची अगले दिन प्रधानाध्यापक को दी जानी। दूसरा रणनीति था बाल संसद एवं SMC के सदस्य को क्रियाशील करके विद्यालय के संचालन में सहयोग लेना। दूसरा रणनीति विद्यालय में नवीन पद्धति के रूप में कंप्यूटर शिक्षा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का उपयोग, हैंडमेड TLM का उपयोग करना, विद्यालय अवधि के बाद टोला क्लास का संचालन करना एवं गतिविधि के माध्यम से बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराना। कागज के टुकड़े जमीन पर पड़े हैं, कितना गंदा लगता है, कितना गंदा लगता है, कितना गंदा लगता है।
इनको उठा कर डस्टबिन में डालो। कितना अच्छा लगता है, कितना अच्छा लगता है। बिखरी हुई चप्पल, बिखरे हुए जूते, कितना गंदा लगता है, कितना गंदा लगता है। इनको उठा कर लाइन में लगा दो। इनको उठा कर लाइन में लगा दो। कितना अच्छा लगता है। प्रयास कार्यक्रम के द्वारा माह में 100% उपस्थिति वाले बच्चों को सम्मानित भी किया जाता है। बच्चों का सर्वांगीण विकास हेतु विशेष अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाता है। मम्मी पापा हमें पढ़ाओ, स्कूल चल के नाम लिखाओ। उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय सपहा। जी हाँ, अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही हमारे यहाँ एडमिशन कराएं। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ है।